आज हम अलियाबाद जमात खाने में 5-12 साल की रूहानी की मजलिस में शरीक हुए हैं। 5-12 साल ये मजलिस सन 1892 में पूना में स्टार्ट की गई थी और पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से सन 1912 के अंदर 5-12 साल की रूहानी की मजलिसें स्टार्ट की गई थी बॉम्बे के अंदर। माशाल्लाह आज हम मौला की रहमत से साहिब हैसियत हैं, इस मजलिस के मेंबर हैं, लेकिन 100 साल पहले ये मजलिस में दाखिल होना आसान बात नहीं थी। कितनी रूहानियां जो हमारे पहले गुजर चुकी है, जिसका हमारे साथ करीबी ताल्लुकात थे, कितने किस्मत वाले हैं कि इनके पीछे, उन रूहानी के पीछे इनके रिश्तेदार ये मजलिस में शरीक हुए हैं। इसमें रूहानियों के साथ साथ मजलिस कराने वालों को भी बराबर का सवाब मिलता है। आपने मौलाना इमाम सुल्तान शाह के काफी फरामीन सुने होंगे, खास करके कलाम इमाम मुबीन। मौलाना ने कई जगह पर समझाया है, ये दुनिया एक ख्वाब है, जब मौत आती है ख्वाब पूरा हो जाता है, फिर हम जागते हैं, गोया हकीकी दुनिया में जन्म लेते हैं। ये दुनिया जिसको हज़रत इमाम ने भी फरमाया फानी है, इसको 4 हिस्सों में पीरों ने डिवाइड किया है। जैसे हम पढ़ते हैं, ऊंच त्यायो बंदे नीच क्यों दियावे, 4 दिन रहना बंदे झूठ क्यों कमावे। 4 दिन याने बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 4 स्टेज है, 4 दिन तक हमारी जिंदगी है। आज कितने लोग दुनिया के अंदर झूठ बोलते हैं। कल युग है और हालात दुनिया के, हमारे मुल्क के, आपके सामने, हमारे सामने हैं, लेकिन हर जगह पर झूठ बोलते हैं। मजहब पर मानने वाले भी झूठ, ना मानने वाले भी झूठ, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, चारों तरफ झूठ। लेकिन एक सच अभी तक, एक सच का इकरार करते हैं, चाहे इसका ताल्लुक कम्युनिस्ट कंट्री से हो, मजहबी कंट्री से हो, या मुस्लिम कंट्री से हो, और वो के सबको एक न एक दिन मरना है। हम आए हैं और वापस चले जाएंगे। जब मौत होती है, हम ज्ञान सबागा के दो ज्ञान पी शम्स ने लिखे हैं। पी शम्स का एक चेला था सबागा, कसाई था मुल्तान के अंदर, इबादत गुजार था। इससे एक गुनाह का काम हुआ और वो थी बदनजरी, और उसने गुनाह की तौबा तो की, लेकिन अब उस आंखों से मैं गुरुजी पी शम्स को कभी नहीं देखूंगा, और दुकान बंद करके अपने आंखों को उसने कांटे मार के अपने आप को नाबीना कर दिया और दुकान बंद कर दी। और यहां पर पी शम्स को किसी ने बताया कि गुरुजी, आपका जो चेला है सबागा, इसके साथ ये वाकया पेश आया। तो पी शम्स इसके पास गए, लेकिन उसने दरवाजा दुकान का नहीं खोला, और पी शम्स ने उस वक्त उसकी दुकान के बाहर बैठकर बोध किया, और वो जो बोध है हमारे पास ज्ञान की सूरत में है कि ऐ सबागा, नागो तू आयो नागो तू जैस,
और इस तरीके से दो ज्ञान हमारे पास हैं, उसमें हम पढ़ते हैं जब मौत आती है घर के बाहर आंगन पर मैयत को रखी जाती है, पीर फरमाते हैं कि पैर पसार पिया विच चौके, पैर यानि पांव, पसार यानि फैला हुआ, पिया यानि पड़ा हुआ, विच चौके घर के आंगन के बीच पांव फैलाए हुए तुम पड़े हुए हो, तुम्हारी लाश पड़ी हुई है। कोल यानि नजदीक, कोल ना आवे डर दे, डर के मारे कोई तेरे करीब नहीं आता, डरते हैं। कल तो तेरे साथ थे, तेरे गले मिलते थे, आज तेरे करीब नहीं आते। खुदा ना खासा किसी के घर में मैयत हो जाए, दूर रह वे, तो कहवे कि भाई अरेंजमेंट बंदोबस्त के हिसाब से कल उसको दफन किया जाएगा, रात को घर में मैयत रखेंगे। तो रात को कई जगह पे हम देखते हैं लोग घबराते हैं, अरे जिसने तुम्हारे लिए इतना काम किया दिन रात, तुम्हें तुम बाल बच्चे हो, बीवी हो, बहन भाई, लेकिन मैयत से घबराते हैं। पैर पसार पिया विचो के खोल ना आवे दर्द, ये हमारी विसात है फिजिकली। मौत के बाद कुरान में तीन जगह पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है बरजख, बरजख को तीन जगह पे कुरान ने इस्तेमाल किया है, जिसकी लफ्जी मायना है इंटरवल। मौत, फिर आलम बरजख, फिर कयामत। जब इंसान की मौत होती है तो इसकी रूह बरजख में यानि आलम में बरजख में रहती है, फिर वो कयामत में उसको उठाया जाता है। ये जो मादी जिस्म है वहां नूरानी या फलकी जिस्म एडॉप्ट करके, अज्यूम करके रूह बरजख में सोई हुई हालत में होता है, कोई जुम्बिश नहीं, कोई हरकत नहीं। लेकिन अगर इसके पीछे कोई दुआ सफा करे, मजलिस करे, सलवात की अगर तस्बीह पढ़े, तो आलम में बरज़ख के अंदर उस रूहानी को कुव्वत पहुंचती है, उस रूहानी को सुकून मिलता है, उस रूहानी में एक रौनक पैदा होती है, खुशी पैदा होती है, और उस सवाब उसके बदले में कराने वाले को भी उसका सवाब पहुंचता है। जैसे कि तीन मनाजिल है, वफात होती है तो हम अवल मंजिल यानि कब्रिस्तान ले जाते हैं, फिर यहाँ ज़ियारत होती है, गोलानी की दुआ होती है ज़ियारत के साथ या अलग अलग होती है, और उसके बाद चहलुम, और उसके बाद डेट्स ऑल। हमारा धर्म जो है, याद रहे, बातुनी धर्म है, ये नियत का धर्म है। हम जाहिर परस्त नहीं, बातिन परस्त हैं। एसोटेरिक रिलीजन पाथ है हमारा, नियत पर डिपेंड करता है हर चीज। जहरी चीजें, जहरी हम जो दिखावा देखते हैं, इससे हम बहुत दूर हैं। अब ये जो अवल मंजिल के बाद जब जियारत होती है, तब रूह को जो पहली पहली शफा पहुंचती है, दीनदारों इस शफा के अंदर शामिल होने वाले रिश्तेदार को भी सवाब पहुंचता है। फिर जब टाइम होता है, मजलिस वगैरह होती है, मौलाना इमाम सुल्तान शाह के वक्त में जब विलायत से यानी यूरोप से जब 1927 बॉम्बे तशरीफ लाए, तो मौला की गैरहाजिरी में यानि दो महीने पहले काउंसिल के एक मेंबर का इंतकाल बॉम्बे में हुआ था।
मौला को वहां लंदन में टेलीग्राम के जरिए बताया गया था। फिर किस तरह कार्रवाई हुई, किस तरह शान व शौकत से तरीके से इसको दफन किया गया, क्योंकि मौला ने फरमाया था कि ये बड़ा खिदमत गुजार था। डॉक्टर रजब अली रामजी लखदीर जो बॉम्बे काउंसिल का प्रेसिडेंट था, उसने मौलाना इमाम को मौलाना इमाम सुल्तान शाह को रिपोर्ट दी कि फलाने शख्स का इंतकाल हुआ, इस तरह इसकी ज्यारत हुई, ये हुआ, सब कुछ हुआ। मौला बहुत खुश हुए। फिर इसने एक बात मौला से पूछी कि मौला, मैयत में इतने लोग थे, मजलिस में भी इतने लोग थे, लेकिन ज्यारत में लोग बहुत कम थे। ज्यारत में लोग नजर नहीं आते थे, जमात खाने के अंदर दुआ के वक्त लोग थे, लेकिन जब ज्यारत की बात हुई तो लोग उठ के चले गए, यानी दो लाइन मुश्किल से थी। मौला ने फरमाया, तुम्हें पता है क्यों इसकी ज्यारत के अंदर लोग कम थे? कि ये शख्स जब हयात था किसी की ज्यारत में बैठता नहीं था, आज इसके साथ भी ऐसा हुआ है। जो शख्स ज्यारत के अंदर बैठेगा, गोडनी की दुआ, दुआ सफा के अंदर शामिल होगा, उसकी भी मौत आएगी, वो मरेगा तो उसकी उसके अंदर उसके घरवाले रौनक और हाजिरी देखेंगे। तो कभी भी ऐसी भूल नहीं करना, हमें भी मरना है, रास्ते में मैयत देखे हम एहतराम से खड़े हो जाते हैं, हम इस ख्याल से किसी की भी मैयत हो कि एक न एक दिन हमें भी जाना है, इसके बाद हमें हमारा टर्न भी आने वाला है। मैयत हो, उसके अलावा मैंने अभी बताया ज्यारत हो, कोई भी ऐसे रूहानियों की कार्रवाई हो, इसके अंदर शरीक होना न सिर्फ सवाब का काम है, लेकिन हमारे पर यह चीज फर्ज होती है। मौत के बाद हमेशा हमें सिखाया जाता है, हमें तालीम दी जाती है कि कोई रोना पीटना नहीं। जब गोडानी की दुआ हो जाती है, मुखी साहब के पास हम घर वाले दुआ वगैरह लेने आते हैं, और उसके बाद हम चटाई उठा लेते हैं, यानी कोई भी सोग नहीं होता, ना कोई घर के अंदर खाना पीना जिसको हम बिलावजा जुरा कहते हैं, ऐसी कोई चीज हमारे यहाँ राइज नहीं। आगा अली सदातार ने ये फरमान किया था कि अगर मरने वाले जिसके घर में मौत हो जाए, या जिसको मरहूम याद आए, या उससे वो परेशान हो, उसको चाहिए कि उसके हक में सलवात की तस्बीह पढ़े। और वफात के बाद मौला ने फरमाया मुसलसल 40 दिन तक तस्बीह पढ़े, उसको भी सुकून पहुंचता है और उसका भी सवाब पहुंचता है। तो हमेशा इनके लिए हम दुआ मांगते हैं, और यही दुआ कि मौला मरहूम के, जैसे कि आज भी रूहानी मजलिस है, कि हमेशा हम ये दुआ मांगे कि मरहूम के मौला कुल गुनाह माफ करे, मरहूम को असल मुबारक में वासिल करे, मरहूम को अखंड शांति बख्शे, और मरहूम को अपना नूरानी दीदार नसीब करे। ये इसको हम कटोकटी का जमाना, नफ्सा नफ्सी का जमाना कहवे, कलजुग कहवे, जेम जेम कड़ीकार वदशे मुनिवरो, तेम अली राजो चलित्र करशे अपार। और जगह पे फरमाया कलजुग के पीरियड को, वेद तनोरे विचार करो कलजुग पूरो केम थाशे, वेद यानी फिलोसफी, फिलोसफिकली तुम गौर करो कलजुग पूरो केम थाशे, पापे कलजुग पूरो थाशे, तमें भूली म जाओगे मार, वर्ष चासे दस लाडले अने दीन पानी नी रेल, एक साल दस दिन जितना शॉर्ट हो जाएगा पाप की वजह से, गुनाह की वजह से, उस दिन गुजरेंगे ऐसा लगेगा जैसा पानी का फ्लो। इंसान सुबह को उठता है,
परेशानी इसके सर पर सवार होती है, टेंशन होता है, क्या क्या काम करना है उसकी स्टडी करता है, बीमारी में मुब्तला होता है, उसको घर बार चलाना है, कामकाज करना है, सब कुछ उसका ध्यान उस पर फोकस होता है। काफी दिन यानी 24 घंटे में काफी अरसे तक वो दुनिया के हवाले होता है, टेंशन होता है, जमात खाने कम आता है, सुकून के लिए इसको टेलीविजन के ड्रामे अच्छे लगते हैं, और इससे बेहतरीन सुकून के जमात खाने दुआ के वक्त बिलखसूस टेलीविजन ऑन करना या खाना पकाना या घर के काम काज करना, ये खास करके जैसे 6:30 दुआ के टाइम है उस वक्त हमें कुछ ज्यादा मीठा लगता है, और जब तकलीफ आती है जमात खाने में अटेंडेंस तो कम होती है, मौला के पास तस्बीह निकालना वो तो दूर की बात है, और गैरों के पास जाते हैं, किसी के पास दागा लेते हैं, तावीज लेते हैं, दरगाहों में लोग जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, आपको मालूम है कि आगा अली शाह दातार हमारे इमाम, इसको हम दातार कहते हैं, ना इमाम हसन अली शाह को दातार कहते थे ना कोई और इमाम को, मगर आगा अली शाह को दातार कहते थे कि जूनागढ़ के अंदर जब मौला ने 1882 में विजिट की तो मौला के पास मुखी कामड़िया ने अर्ज रखी कि या मौला, यहां लोग ज्यादातर जमीव शाह दातार की मजार पर जाते हैं और उनसे मैयत और मन्नतें वगैरह मांगते हैं और उसके चेले बने हुए हैं। मौला ने फरमाया जमात को बुलाओ, और जमात को जब बुलाया, छोटी जमात थी जूनागढ़ की, मौला ने फरमाया इस सरजमीन पर तुम्हारा कोई भी दातार नहीं, हम तुम्हारे दातार हैं। और मौला ने यही फरमाया कि एक दिन उसी विजिट के दरमियान एक दिन एक शख्स मौला के पास अर्ज रखी जूनागढ़ के अंदर कि या मौला, मैं कभी भी किसी की मजार वगैरह पे नहीं जाता, मेरा इस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरी बहन जो थी उसने मुझे फोर्स किया, मैं बीमार था, तबीयत सही नहीं थी, टेंशन था, मेरी बहन के कहने पर मैं ये मजार पर हाजिरी दी, मन्नत मांगी, बाद में मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, मैं माफी मांगने के पास माफी मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। डायरेक्ट मौला के पास अगर माफी मांगने जाओ तो दीनदारों बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इससे आसान तरीका जमात के मुखी कामड़िया मुखियानी कामड़ियानी के पास माफी मांगो। मौला ने फरमाया तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा जुल्म किया है, चुप हो गया। मौला ने फरमाया तुम्हारी उम्र कितनी है, खुदावंद 45 साल। आज तुम्हें पता है चांद रात है, मौला ने फरमाया जी। 45 साल में कितने चांद रात है, हर चांद रात को तुमने छांटा लिया है, आबे शफा लिया है, आज तुम्हें हम माफ करते हैं, आज के बाद अगर तुम अगर गए तो 45 साल के छांटे और आबे शफा की जो तुम्हारी बख्शामनी है उसको हम वापस खींच लेंगे। मौला के पास गया था ना, मौला ने सख्त जवाब दे दिया कि कहीं नहीं जाओ, आस तो एक अलग के कीजिए, अवर आस निरास, फिर गुम गुम के फिर वापस यहां आना फिर बेमकसद है। हम पढ़ते हैं ना कि बोलिया सैयद मोहम्मद शाह शरण तमारी,
तुझ छोड़ी दूजे द्वारे कहां जावे। ये उस उन लोगों को ये चीज ये फार्मूले अपील करते हैं जिसकी जमात खाने में हाजिरी कम होती है। वो आस को एक अलग की कीजिए, अवर आस निराश। दीनदारों, कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी मैंने बताया कि बोलिया सैयद मोहम्मद शाह शरण तुम्हारी, तुझ छोड़े दूजे द्वारे कहां जावे। जिस कारे साहेब ऐसा हो सो दुखिया क्यों कर कहावे। हम दुखी अगर हैं तो इसमें गलती हमारी है। दीनदारों, जमात खाने में हाजिरी कम, इसको हम कहवे लैक ऑफ अफेक्शन एंड लव। मौला से जितनी मोहब्बत कम होगी इतना बाहर की चीजें हमें ज्यादा असर करेगी। जिसको मौला से लगाव है, मोहब्बत है, कभी कभार गलती से जमात खाना कोई वजह से ना भी आए सुबह शाम, लेकिन वापस आएगा, लेकिन कोई और दर पर नहीं जाएगा। ये मोमिन की पहली निशानी है। हाथ हमने मौला को दिया है, बैयत हमने मौला की है, हम वो बैयत को नहीं तोड़ेंगे। हमारा साथ मौला के साथ, दिल के अंदर मौला की मोहब्बत पैदा करो। और मोहब्बत की कोई लैंग्वेज नहीं, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, ये खुद ब खुद पैदा होती है। ते तो हैनू कोड़ी खाए, खुद ब खुद पैदा होती है दिल के अंदर, और दिल के गहराई के अंदर चोट मारती है। मोहब्बत और रिगार्ड के अंदर फर्क है। कोई अगर मिनिस्टर आए, आप खड़े हो जाओगे, रिस्पेक्ट दोगे, इज्जत दोगे। हाजिर इमाम वहां से गुजरेंगे, आप खड़े हो जाओगे, रिस्पेक्ट दोगे, दोनों को रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन जो मिनिस्टर, उसको आपने रिस्पेक्ट दी, उसको रिगार्ड कहते हैं। मौला के लिए जो रिस्पेक्ट दी वो रिगार्ड नहीं है, लव है। रिगार्ड में गर्दन नहीं दी जाती, लव में गर्दन दी जाती है। ये रिगार्ड पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो कि मेरा मौला। वारसियानी रत्नाबाई बॉम्बे के अंदर सन 2008 में गोल्डन जुबली के मौके पर इसने अपने हाथ से सुबह शाम जमात खाने जाती, जमात खाने के बर्तन धोती, 4 बजे इबादत करती, अपने हाथ से लकड़ी लेकर अबनूस की लकड़ी काटकर तस्बी बनाई। ऐसी 49 तस्बियां बनाई, 49 तस्बियां खुद अपने हाथ से पॉलिश की, बहुत अच्छी तस्बियां बनाई, प्लेट में रखी, ऊपर रुमाल डांका, और जुबली के दीदार के लिए घर से निकली। अब आपको जो ये मैं सुना रहा हूं इस पे आप गौर कीजिए, मोहब्बत किसको कहते हैं, इश्क किसको कहते हैं। इश्क और मोहब्बत की कोई जबान नहीं, ये एक मस्ती है। 7th फ्लोर न्यू बॉम्बे में रहती थी, बत्ती नहीं थी, लिफ्ट नहीं चल रही थी, घर से निकली, प्लेट के ऊपर रुमाल है, घर से निकली, मौला के फोटो की तरफ देखी कि या मौला मैं तेरे पास आ रही हूं। ये बड़ी लगन और मेहनत के साथ मैंने तस्बियां 49 बनाई है, इसके ऊपर तेरे तुझे मौला हाथ रखना है। फिर कहती है मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, 1.5 लाख के करीब वहां पर दरबार है,
इंडिविजुअली एक एक आदमी से कहां मिल सकते हैं मौला। ये कहकर दरवाजा बंद किया और फर्स्ट सेवन फ्लोर पर थी, सिक्स फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, फोर्थ, थर्ड और सेकंड फ्लोर पर आई। अचानक इसको कुछ याद आया, वापस ऊपर चढ़ी, सेवन फ्लोर पर आई, दरवाजा खोला, वापस मौला की तस्वीर के सामने देखकर कहने लगी, अभी मैंने तुझे कहा ना मौला, मैं नहीं आऊंगी, तुझे आना है। एक मर्द आनी, आज तुझे मेरे पास दो मर्द आना है। अब मैं तो कह रहा हूं कि एक के बाद मुश्किल है, तो ये और दो की बात कर रही। मोहब्बत देखिए, इश्क किसको कहते हैं, जाकर अब आप किसी भी दरबार में जाओ तो मोबाइल फोन, कैमरा, रेडियो, टिफिन, खाने पीने के चिप्स पैकेट, बिस्किट, कोई चीज बाहर जमा करा तो अंदर इजाजत नहीं होती। किसी को हिम्मत न हुई, न किसी ने देखा, वॉलंटियर ने, ये औरत स्टेडियम के अंदर चली गई, जाकर बीच में बैठ गई। किसी ने कुछ पूछा भी नहीं कि तेरे हाथ में क्या है, क्या ये प्लेट के ऊपर रुमाल है, अंदर क्या है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। मौला की तशरीफ हुई, मौला ने राउंड लगाया, स्टेज पर गए, फरमान किया, फिर स्टेज से उतरे, इस औरत के आगे से यूं गुजर के चले गए और बाहर चले गए। मुखी ने अर्ज की, मौला एक अर्ज है। हाँ मुखी। मौला, 10 साल या 10 साल से ज्यादा खिदमत करने वाले 25 वॉलंटियर आज यहां लाइन से खड़े हैं, 25 वॉलंटियर, 10 साल या 10 साल से ज्यादा खिदमत करने वाले। मौला, आप इसके हक में दुआ करो, आज मौका अच्छा है। मौला ने फरमाया, ओके मुखी। अंदर पेंडोल के अंदर ऐलान हुआ कि मौला बार वॉलंटियर को दुआसिस देते हैं, कोई भी अपनी जगह पर न हिले न खड़ा हो, बार मौला एक एक को दुआसिस देते हैं। वन, दूसरे का टर्न आया, लाइन से खड़े हैं। ये औरत अपनी जगह से उठी, सबको बिठा रहे हैं, इसमें किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इस औरत को उठा बिठा। ये औरत पिछले दरवाजे से, पेंडोल के बैक साइड से निकलकर वो जो 25वां वॉलंटियर जो खड़ा है उसके पीछे खड़ी हो गई। जब वो उसके पीछे गई तब मौला 13, 14, 15 इस तरह वॉलंटियर को दुआसिस देते 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 25वें वॉलंटियर तक पहुंचे। मुखी ने कहा, खुदावन डेट्स ऑल। तब मुखी को मौला ने फरमाया, नो मुखी, स्टिल देर इज वन मोर, डेट्स ऑल, नो मुखी, स्टिल देर इज वन मोर। और वो औरत आंखों में आंसू थे और ज्ञान का पाठ पढ़ती थी, एजी डूडनता डूडनता आओ जो अबड़ा नारी ने पास, मैं नहीं आऊंगी, तुझे आना है। मौला उस 25वें वॉलंटियर के पीछे गए, उसके सर पर हाथ रखा, उस प्लेट के ऊपर हाथ रखा, दुआसिस दी, टर्न करके मौला 25, 24, 23, 22 उसी वॉलंटियर की लाइन से गुजरकर, ओके मुखी, सब ठीक ठाक है, गाड़ी में बैठे, पेंडोल से माल गाड़ी निकली, मुश्किल से 4-6 गज गाड़ी चली, ड्राइवर स्टॉप द कार, रिवर्स, वापस लो, वापस। हैरान हो, वॉलंटियर अपनी जगह खड़े हैं 25, फर्स्ट वॉलंटियर के पास आकर खड़े हो गए, मोटर अंदर आ गई, सेकंड पे गए, थर्ड पे गए, चलते चलते वो 25वें वॉलंटियर के पास गए, उस औरत के पास गए और वापस उसके सर पर हाथ रखा, दुआसिस दी और इस प्लेट के ऊपर हाथ रखा, एक मरता नहीं दो मरता मांगा था। ये है मोहब्बत। जब हमें मिलता है, आप बहुत बोलो, 1.5 लाख की आबादी, अटेंडेंस हो, उसमें मौला क्यों ना आए। अगर दिल से मांगो, मौला क्यों ना देवे, यहां वहां जाने की क्या जरूरत है। गारंटी कि कुछ भी हो जाए
मैं तेरे से मांगू, तेरे सिवा और कोई नहीं, मगर मांगने के साथ मोहब्बत। मोहब्बत कैसी हो, मैंने कहा ना इसकी कोई जबान नहीं। बेगम इनारा की जब शादी हुई 1998 में, फर्स्ट टाइम मौला लिस्बन में इसको ले गए, लिस्बन के जमात खाने में फर्स्ट टाइम ले गए थे बेगम इनारा को, 16 साल की एक लड़की मौला के हुजूर में जलेबी पेश की, प्लेट के अंदर जलेबियां थी। मुखी ने इसको इजाजत दी जलेबी। क्या कहती है पता है मौला को, मौला मैं साइंस की स्टूडेंट हूं और नाइट स्कूल रिलीजियस सेंटर भी जाती हूं, मेरे रिलीजियस सेंटर के टीचर हमेशा कहते हैं कि या मौला आप जमात के लिए 18 घंटे जागकर काम करते हो और दिन में साइंस के टीचर हमें कहते हैं कि जो इतना आवर 20-18 घंटे अगर काम करे तो उसके जिस्म में से ग्लूकोज शुगर कम हो जाती है, शुगर कम हो जाती है। मौला मैं आपके लिए जलेबी लाई हूं। देखो मोहब्बत, मोहब्बत देखो है ऐसी मोहब्बत, रास्ते में निकला के एक फ्रूट मौला के लिए नांदी के लिए दे दे, ये रिगार्ड एटर्नल रिगार्ड यानी लव। मौला ने खुशी से इसको कबूल किया। फिर मौला ने पूछा अगर हम कल नहीं होंगे तो हमें कल कौन खिलाएगा। मौला मैं रोजाना जमात खाने में लाऊंगी और आपको पेश करूंगी खाना बता। बहुत दुआएं दी। अभी तक रिपोर्ट ये है कि माशाल्लाह अच्छी खासी एज हो गई है, शादीशुदा, लेकिन लिस्बन के जमात खाने में वो जलेबी पहुंचाते हैं। ये ABCD से मोहब्बत बढ़ती है, इससे गैर की तरफ असरात नहीं जाते। पापा पगली ABCD से मोहब्बत पैदा करो, दिल लगाओ, और जब दिल लग जाता है तो और जगह पर दिल नहीं जाता। कटोकटी का जमाना है, दुनिया में क्राइसिस है, लोग हर चीज का इलाज चाहते हैं, और आसान से आसान तरीका मौला ने बताया कि मौला को खुश करना है या दुख ही करना है, यह फैसला करो। जमात खाने आओगे तो इससे बढ़कर मुझे और कोई खुशी नहीं, और इससे बढ़कर दुख में दुखी नहीं होगा कि पता चला कि आप जमात खाने नहीं जाते। फैसला करो डेली, आज चलो दुखी करें मौला को नहीं जाना, खुश करना है तो जाओ। 3 दिन से मैं जमात खाने नहीं आया तो ये ना कहो कि 3 दिन से जमात खाने नहीं आया, 3 दिन से मेरे मौला को मैंने दुखी किया, ये एहसास रखो। 4th दिन करना चाहते हो करो। और जमात खाने के साथ, जमात खाने का मतलब ये नहीं शाम के वक्त, सुबह के वक्त, सुबह और शाम। मैं लास्ट टाइम यहां पर आया था, मैंने आपको बताया था कि ऐसे मुरीद थे अफ्रीका के अंदर, 14 मील दूर लालटेन लेकर आते थे, पैदल जंगल गुजर, जंगल से जंगल को क्रॉस करके जमात खाने सुबह आते थे। रास्ते में कीचड़, गंद, बारिश, तूफान, जंग। हम 14 गज के फासले पे भी नहीं रहते, अलियाबाद तो उससे करीब है। अभी कराची के अंदर कितनी तस्बियां हो रही है माशाल्लाह, ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के जमात खाने में है। कराची के अंदर माशाल्लाह ये आज तीसरी तस्बीह है। पता चला कि बढ़ चढ़ के लोग आए हैं, बहुत अच्छी खासी अटेंडेंस है, और अगर अटेंडेंस लूज अगर है तो मैं समझता हूं आपकी अलियाबाद की जमात। टीवी हमें पहला चाहिए,
खाना टाइम पे पकाना, खाना भी उस वक्त पकाना है और लेडीज को जिस वक्त जमा खाने की दुआ का टाइम हो अच्छा लगता है। इबादत का टाइम है, दुआ का टाइम। और कॉलोनियों में भी हम कहते हैं साहब कि जमा खाने में दुआ चलती है और टीवी की आवाज आते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा हम दरवाजे बंद गए खिड़की बंद करेंगे। अरे टीवी बंद करो, दरवाजा बंद करो, जमात खाने में आओ, मौला को खुश करो, फिर मांगो जो मांगना है। और इससे बढ़कर जो चीज है वो है मदरात की इबादत, और वो है चार से पांच। चार से पांच की अगर बात आती है दीनदारों, जो शाम को सुबह जमात करने नहीं आता तो उसके लिए तो ये सुनना बहुत भारी है, लेकिन जो आते हैं उनसे पूछो, जो चार से पांच आते हैं इनको पूछो कि आपको सुबह को मौला के पास दुआ भी मांगने की जरूरत नहीं, आपके 24 घंटे के मसाइल मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं खुद ब खुद। और रूहानी वर्जिश है, हमें कह कह के थक गए, रूह कैद खाने में कैद है, उसको आजाद करो। तकलीफ अगर आ जाए, दो जगह पे मौला ने फरमाया मेरे जंजीबार के फरमान तुम पांचो, तुम्हारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। सुबह की इबादत, ये जो हमारी बीमारी जो है, तकलीफें जितनी भी हैं, वरीज जो है, इसकी वजह यह है कि हमने धर्म तो किया है लेकिन धर्म के ऊपर हमने यकीन नहीं किया, उसके ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं, प्रैक्टिस नहीं, कोई अमल नहीं। मौलाना इमाम सुल्तान शाह, दिसंबर का महीना था 1933, और दिसंबर के महीने में यूरोप से बॉम्बे आए थे, मौला के हुजूर में बैतुल ख्याल के मुखी कामड़िया की मंडली ने मेहमानी पेश की, मौला के पास अर्ज रखी गई, बैतुल ख्याल की रिपोर्ट दी। खड़क जमात खाने के मुखी साहब ने, जिसको हम दरखाना कहते हैं बॉम्बे का, मुखी साहब ने अर्ज की, मौला ने पूछा रात को मदरात को कितने लोग आते हैं। मुखी ने खामोशी से जवाब दिया 20 से 25 मुश्किल से आते हैं। अच्छा रजिस्टर मंगाओ, पहले रजिस्टर मेंटेन होता था, बताओ पढ़ के बैतुल ख्याल में कितने मेंबर हैं खड़क जमात खाने में, बताया 982 आते कितने हैं 20 से 25। मौलाना फरमाया ऐसा करो, इन लोगों ने बैतुल ख्याल में जो दाखिल हुए हैं इनको पैसे वापस कर दो, मुझे ऐसा धर्म नहीं कराना। ये समझते हैं, मौलाना ने फरमाया कि इमाम पैसे का बुखार है, पैसे का मोहताज। मौलाना ने फरमाया मुझे ऐसा नहीं चाहिए। नीचे जमात बैठी हुई थी बैतुल ख्याल की, दीदार हो तो सब आ जाते थे। मौलाना ने फरमाया मुखी इनको सबको पेमेंट दे दो, और जो 20 और 25 जो आते हैं उनके हक में मैं बहुत बहुत दुआ आशीष देता हूं। रोने लगे। मौलाना ने फरमाया किसने कहा कि ये बैतुल ख्याल का धर्म कराओ, ये कंपलसरी नहीं, लेकिन तुम दाखिल होकर अपने आप को कंपलसरी बनाया, तुमने खुद इसको कबूल करके कंपलसरी किया, अब तुम्हारी परेशानी रूहानी और जिस्मानी बढ़ती जा रही है। और मौला ने फरमाया कि इस ये ऐसा गुनाह है, हम इसको माफ हरगिज नहीं करेंगे। जमात हाथ जोड़ने लगी, बहुत हाथ जोड़ने लगी, तब मौला ने माफ किया। दूसरे दिन यानी उसी रात को अटेंडेंस फुल हो गई। क्या ऐसा वक्त चाहते हो? तौबा करना चाहिए।
कितने टाइम से हमने बोल लिया है दीनदारों अपनी खुद स्टडी करो कि मैंने फलाने सन में 60 में किया, 64 में किया, 70 में किया, 76 में किया, 82 में किया, 90 में किया, 200 में किया, 205 में किया, जितने पीरियड में मौला यहां आए। या बाहर से अगर हम आए हैं तो कहां कहां हमने बोल लिया है, आप क्या समझते हो कि छुटकारा हो? ये तो बोल लेकर ही गुनाह का काम। और जो आते हैं, मौला ने एक मेहमानी के अंदर फरमाया था, मौला से पूछा कि खुदावन हमारे पास बोल नहीं है, हमें क्या जिक्र करना चाहिए? मौला ने फरमाया, देखो सुबह को जो चार तस्बीह निकलती है, या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाहु समद, चार में से कोई एक को पसंद कर लो और इसको जिक्र बनाओ, जिक्र समझो। जब तक बोल न मिले वो तुम्हारा, वो शब्द जो है ये तुम्हारे लिए बोल है। मौला के साथ मोहब्बत करो। आज हम यहां हयात हैं, कल हम भी रूहानी बन जाएंगे, और बनना है। फिजिकली ये अलियाबाद के मकान है, फलाना नंबर फलाना नंबर, किसका मकान है? मेरा है। दुनिया के उसूल से ये मकान के मालिक आप हो, मजहब के हिसाब से इस मकान के आप मालिक नहीं, मजहब इसकी मना करता है। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, नहीं, तुम्हारा वो है जिसको हमें ज्ञान में बताया समर, जो तेरे साथ चलेगा। आखिरत की कमाई, इबादत, बंदगी, नेकियां, ये हमारे साथ चलेगा, ये हमारा है। बाकी जिसको हम मेरा कहते थे, ये मेरी ओनरशिप है, ये मेरे बैंक बैलेंस है, मेरी कार बंगले हैं, सब टेम्परेरी तुम्हारे हैं, दुनिया छोड़ोगे, सब छोड़ के चले जाओ, टाइम भी नहीं मिलेगा कि किसकी किस किस्म की वसीयत में करूं, क्या ना करूं, किसको क्या दूं, सब छोड़ के चले जाएंगे। जो चीज आखिरत के लिए कमाई है वही काम आएगी। मोहब्बत पैदा करो, रिगार्ड, हाई रिगार्ड, मेरा मौला मेरे लिए इतना काम करता है, इतना काम करता है, वो सिर्फ कहता है कि कुछ ना करो, सिर्फ मुझे खुश करो, सुबह शाम जमात खाने आओ, इबादत बंदगी करो। ये जो कटोकटी है, जो क्राइसिस जो दुनिया में है, दीनदारों इससे बच निकले होगे, आपकी हिफाजत खुद मौला करेगा, आपके मसाइल मौला सोल्व करेगा, सब कुछ मौला करेगा। मगर ताली दो हाथ से बजती है, मौला हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, कुछ इसके पास टाइम है? 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, उस वक्त की बात कर रहा हूं, बेगम सलीमा ने एग्लीमोंड के पास, एग्लीमोंड में मौला के पास अर्ज की के परसों प्रिंसेस जहरा का बर्थडे है, सालगिरह है, आप टाइम निकाल सकते हो? आप देखिए, घर की औरत दुनियावी तौर से अपने हस्बैंड से यह पूछती है कि आपकी बेटी का बर्थडे है, आप टाइम निकालोगे? 4 बजे शाम को केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, तो मौला अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं, तो सेक्रेटरी ने कहा कि 4 में 5 मिनट कम, कुवैत के एक अमीर से जमात खाने के प्लॉट के सिलसिले में बात करना है, सिर्फ 5 मिनट, फिर उसके बाद 2-3 मिनट का वक्फा है, फिर लंदन के काउंट के साथ मौला आपकी लंबी बातचीत है। तो मौला ने बेगम सलीमा से क्या फरमाया? ओके, मैं 5 मिनट
अटेंड करूंगा। अब देखो ये ऑफिस है, बीच में दीवार है और यहां घर है। 5 मिनट का टाइम देते हैं। दीन दुनिया का मालिक, उसके घर में कैसी बर्थडे होती है जरा आप सुनिए। हमारे मौला के घर में देखे कैसी बर्थडे होती है। 2 बेटे और 1 बेटी, मां एक रूम के अंदर बैठे हैं 4:45 बजे से, केक पड़ा हुआ, एक नाइफ छुरी पड़ी हुई है, टाइम रख रहे हैं, बस अभी मौला आएंगे, अभी पापा आएंगे, इस तरह 4 बजे। तो मौला कैसे आया, थका हुआ बदन, आंखें देखो सुर्ख है, ऐसा लगे पीठ के ऊपर दर्द था। यहां एक टेलीफोन कंधे पर है, दूसरा एक टेलीफोन इस कंधे पर है और बातचीत करते हैं। एक टेलीफोन यहां है, एक टेलीफोन यहां है। इस तरीके से मौला अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। 4 बजे एग्जैक्ट दाखिल हुए कमरे के अंदर, बच्चे अपने बाप का ये मंजर देखकर हैरान हो गए। कुर्सी पर बैठे, बेटी को गोद में मिला बिठाया, बात कर रहे हैं और इस तरह लेकर गोद में बिठाकर प्यार करके छुरी लेकर मौला ने केक को काटा, बेटी को खिलाया, खुद खाया। इतने में दूसरी घंटी टेलीफोन की बजे, मौला उसको भी जवाब दे रहे हैं, इसको भी जवाब दे रहे हैं और अपना बर्थडे इस तरह मना रहे हैं। घड़ी को मुड़ के हाथ को यूं मुड़ाकर देखते हैं, 4:05 हो गए, यूं विश करके दोनों टेलीफोन पर बात करते 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 चले गए। बच्चे पीछे से आसूदा होकर अपने बाप को इस तरह देख रहे हैं। यह है बर्थडे दीन और दुनिया के मालिक के घर की। बताओ, ऐसी तो बर्थडे में हम ऐसी तो बर्थडे तो नहीं करते, बल्कि ऐसी बर्थडे में हम जाते भी नहीं। जहां ना बारबेक्यू हो, ना डिनर हो, ना बिरयानी हो, ऐसी बर्थडे को तो हम दाद भी नहीं देते। दीन और दुनिया के मालिक हमारे लिए इतना काम करते तो हमारे दिल में जरा भी दुख नहीं, कुछ रहम नहीं, एहसास नहीं। कौन सी कारें बदलकर, कौन सी वैन कार या रास्ता बदलकर हमें अलियाबाद जमात खाने आना है, सुबह शाम तो उठना है। और ये विंटर सीजन है, मेडिटेशन वर्शिप इबादत बंदगी के लिए बेहतरीन टाइम होता है। दीनदारों, मौला ने फरमाया है, दुआ ध्यान लगे या न लगे, कभी तुम्हारे अच्छे दिन होंगे, कभी अच्छे दिन नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें इबादत करनी है, इबादत नहीं छोड़नी। बस, और जमात खाने आओ। मौला ने हमें समझाया है, हसद, गिला, गीबत, निंदा, बदगोई, उसे परहेज करो। जमात कहने आओ और खामोशी से चले जाओ। ये पाक जगह है, पाक से पाक जगह है। यहां कोई बुराई, अगर बुरी चीज सुनोगे भी गुनाह है, कहोगे भी गुनाह है। टाइम कितना मैच्योर हो चुका है, कितना मैच्योर हो चुका है टाइम। बाहरी जमाना है, ईमान को संभालना मुश्किल हो गया है। मौला ने कई जगह पर वेस्टर्न कंट्री के अंदर फरमाया,
दौलत तुम्हें इतनी मिलेगी, इतनी तुम दौलत कमाओगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम्हारी दौलत कितनी है, कितना तुम्हारा बैंक बैलेंस है तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक जेब से दौलत आ रही है, दूसरे जेब से मजहब निकलता जा रहा है। टाइम इज मनी, बस एक मावरा बनाया हुआ है। टाइम इज मनी, टाइम नहीं है, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, जमात करने नहीं आ सकते, ये नहीं, आएंगे जब फ्री हो जाएंगे, सेटिंग हो जाएगी। लेकिन किसको पता कि कल हम जिंदा होंगे कि नहीं। काल करो तो आज करो, जो काम काल करना चाहते हो, पीर हसन कबीरदीन फरमाते हैं तो आज करो, काल तो कार आवे, कल तो मौत भी आ सकती है। कोई और काम को पोस्टपोन कर सकते हो, मजे भी मामले में किसी को पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर अलीशा दाता का फरमान है, पुरानी हाथ की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर फरमान है, मैं जब भी जूनागढ़ आता हूं मुझसे ये सवाल करते हैं कि इमाम की जहूरात की क्या निशानी है। मुझसे लोग सवाल करते हैं कि इमाम की जहूरात की क्या निशानी है। मौला ने फरमाया कि आज हम जमात को इसका जवाब देते हैं। तुम इस्माइली जिंदा इमाम जाहिर इमाम को मानते हो, तुम्हारे सामने तो इमाम जाहिर है, तुम्हें इसकी फिक्र करनी नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ फिक्र करनी चाहिए कि रात की इबादत के दरमियान इमाम कैसे जाहिर होता है हमारे दिल में, उसकी फिक्र करनी चाहिए। रही बात जहूरात की, मौला ने फरमान को आगे बढ़ाया कि तुम उस घड़ी से तौबा करो। तुम जो पंजे भाई हो, मौला ने फरमाया, इसमें जितने भी बड़े से बड़े आलिम भगत है, तुम पंजे भाइयों में से बड़े आलिम और भगत है, जब वो घड़ी जब आएगी जहूरात की, तो उन भगत और आलिम का भी ईमान डगमगेगा। उस आलिम और भगतों का भी ईमान डगमगेगा। तुम्हें तो रात के चार से पांच बजे की जहूरात की फिक्र करनी चाहिए। तो जब भी ये टाइम हम देखते हैं, हमें लगता है कितनी दुनिया के अंदर परेशानियां हैं, मगर आप देखते हो मौला की रहमत से जो जमात खाने आते हैं वो उसके चेहरे पर रौनक होती है। सुबह शाम जमात खाने आते हैं, मौला को याद करते हैं और एक इरादा रखा है, कुछ भी हो, क्राइसिस कैसे भी हो, लेकिन हम जमात खाना कभी नहीं छोड़ेंगे। जमात खाने की जो विधि है, जो रीत रिवाज है, जो सिस्टम है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इस तरह अगर हम रहेंगे तो इंशाल्लाह न सिर्फ हर ये रौनक चेहरे पर बरकरार रहेगी, बल्कि जो मांगोगे वो मिलेगा, अरे नहीं मांगोगे वो भी मिलेगा। आपको हमको क्या पता परसों कौन सी तकलीफ आने वाली है। आज मौला ने सॉल्व कर दी, परसों से तकलीफ फिर ना आई, आपको क्या पता। आज अब ठीक हो ना, खुश हो ना, ये समझ लो कि जरूर मौला आप पर खुश है, वरना आज भी तकलीफ में होते। कैसे गहरे के अंदर, चारों तरफ शहर के अंदर हम रहते हैं, 28 जमात खाने और 4 कम्युनिटी सेंटर है कराची के अंदर, 3 बड़े जमात खाने, बड़े से बड़े जमात खाने मेन रोड के ऊपर है, कितने हम सेफ हैं, कौन हिफाजत करता है। ये मौला करीम की जात है, इससे बढ़कर और कौन सा मौजज़ा चाहिए। कितने जमात खाने रोड पर हैं, ये है, आज मस्जिद सेफ नहीं, इबादतगाह सेफ नहीं, लेकिन हमारे जमात खाने के अंदर मौला की रहमत है, मौला की शान है। ये मौला की शान, सुबह को उठो मौला के पास, सन 2005 के अंदर टोरंटो के अंदर जब मौला जून महीने में आए थे, मौला के पास एक भाई ने अर्ज की, बड़ी उम्र की थी,
खुदावन घुटने की तकलीफ है, मैंने ये दवाई खाई मगर ठीक नहीं होता। आप बोलो दुनिया के उस डॉक्टर के पास मैं जाने के लिए तैयार हूं, आप तो आशीष करो। मौलाना ने फरमाया कोई जगह नहीं जाना है, जो दवाई है खाते रहो, ना भी खाओ कोई बात नहीं, सुबह तुम जमात खाने आओ। आहिस्ता आहिस्ता जमात खाने के बाद स्लोली स्लोली वॉकिंग करो, हमारी दुआ तुम्हें काम आएगी। और तुम्हारे घुटने में जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। तो हम जब मांगते हैं हमारे पास चीज है, लेकिन वो रास्ता अगर हम छोड़कर और जगह जाते हैं तो मौला अपना हाथ विड्रॉ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जमात को तकरीबन एक घंटे तक मैंने बिजी रखा, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा हम मजीद बातें करेंगे। और आज मुबारक है उन लोगों को जिन्होंने ये मजलिस की है, उन रूहानी की शफा के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए, और जो शांति सुकून उसको मिलता है उसका आवेज कराने वाले, और साथ में जो जमात में शिरकत कर रहे हैं उनको मिलता है। मौला के हुजूर में दुआ गुजारी करेंगे। मौला आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हर बुरी नज़रों से बचाए। मौला खिदमत का शौक पैदा करे, मौला दिलों को रोशन करे, मौला हकीकी मार्फत अता करे, मौला हकीकी रहमत से मालामाल करे, मौला दायमी सुकून देवे, मौला बदियों से बचाए, जान माल औलाद में बरकतें देवे, अपनी रूहानी गोद में जगह देवे, अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नज़रों में रखे, मौला अपनी दुआओं में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने कब्जे में रखे, अपनी रहमत में रखे, हमारी आरजू व उमंगे पूरी करे। मौला नाउम्मीदी से बचाए, कर्ज बीमारी और टेंशन से बचाए। मौला सब्र से मालामाल करे, आपको बरकतें देवे, आपको तंदरुस्ती देवे। मौला मोहताजी से बचाए, अपना जहरी बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। गजबात कहे जिंदा सलवात परो दीदार वाला।